चलिए बस खाली हम लोग को कि क्या छूटा था बच्चा इसमें देख लो जरा इसमें खाली एग्जाम्पल छूटा था है ना कौन कौन वाला के पॉजिटिव डेविएशन वाला के पिछली बार एग्जाम्पल छूटा था और नेगेटिव डेविएशन वाला पॉजिटिव डेविएशन में एग्जाम्पल बताओ बच्चा क्या क्या बताए पानी में CH2OH5 पानी में CH3OH एसीटोन में C2H5OH है ना एसीटोन में CH2 या CHCl3 में CCl4 अरे क्लोरोफॉर्म में कार्बन टेट्राक्लोराइड ये वाला पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा नेगेटिव डेविएशन कौन कौन है बच्चा जल में HCl डाल दो चाहे जल में HNO3 डाल दो चाहे तो जल में सॉरी एक और बताए थे आपको ये वाला क्या बताए थे बच्चा एसीटोन में क्लोरोफॉर्म डाल दो CHCl3 डाल दो यानी ये नेगेटिव डेविएशन वाला हो जाएगा हेडिंग दो है अगला एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हिंदी लिख लिया था एजियोट्रॉप्स या इसी का एक और नाम है बच्चा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एजियोट्रॉपिक हिंदी लिख लिया स्थिर क्वाथी स्थिर क्वाथी या इसी को बोलते हैं बच्चा स्थिर क्वाथी मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण है ना स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वाथी मिश्रण ये क्या होता परिभाषा लिख लो स्थिर क्वाथी का मतलब ध्यान से सुनो नाम से ही पता है स्थिर मैंने होता है समान और क्वाथी मैंने होता है बच्चा क्वथनांक यदि दो लिक्विड को मिलाने के बाद दोनों लिक्विड या बोटिलियन एक ही तापमान पर उबलता है वैसे मिश्रण को हम लोग बोलते हैं बच्चा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जैसे मान लीजिए सुन भैया जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पानी और पानी में हम लोगों ने यहाँ मिला दिया HNO3 सुनो इधर अगर मिलाने के बाद HNO3 नाइट्रिक अम्ल या रहना ये देखो ये होगा ये नाइट्रिक अम्ल है जल जल तो सगरो है तो अगर जल में अगर हम मिला देंगे ना एक लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है हमेशा में जब दो लिक्विड को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से जब दोनों लिक्विड एक ही तापमान पर उबलने लगता है वैसे मिश्रण को हम लोग बोलते हैं बच्चा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एजियोट्रॉप का तो हिंदी लिख लो व्हेन परिभाषा लिख लो व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड such that the boiling point या such that they boils at constant temperature and cannot be separated by fractional distillation is called azeotropes
इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स आर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। परिभाषा हिंदी में लिखे जब जब दो द्रवों को, हिंदी लिख लिया जब दो द्रवों को इस तरह से मिलाया जाता है, जब दो द्रवों को इस तरह से मिलाया जाता है कि वे, जब दो द्रवों को इस तरह से मिलाया जाता है कि दो द्रवों को इस तरह से मिलाया जाता है कि वे एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर उबलता हो, एक निश्चित तापमान पर उबलता हो, एक निश्चित तापमान पर उबलता हो, एक निश्चित तापमान पर उबलता हो एवं एवं जिसे परभाज आसवन विधि से, जिसे परभाज आसवन विधि से अलग नहीं किया जा सकता है, परभाज आसवन विधि से अलग नहीं किया जा सकता है, उसे सितक, उसे स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, उसे स्थिर क्वाथी या स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ सर जी, फिर से एक बार समझ ले, क्योंकि तो परिभाषा याद रखने में अगर आपको ज्यादा तकलीफ होगा, थोड़ा सा समझ करके याद रखोगे, ज्यादा दिन तक याद रहेगा। कहता है कि जब दो लिक्विड को इस तरह से मिलाया जाता है, इस तरह से मिला, मान लो पानी और H2O, हम इसको इस तरह से मिलाते हैं, इस तरह से मिलाए कि मिलैला के बाद जो विलयन बने और एकरा गर्म करें तो दोनों लिक्विड एक ही तापमान पर उबलने लगे। समझ रहे हो बात? जैसे जानते हो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, जानते हो तुम लोग? 100 डिग्री पर बॉइल करता है, और ये H2O3 जानते हो 125 डिग्री पर बॉइल करता है। कितना डिग्री पर? 125 डिग्री पर। तो दोनों को इस तरह से मिलाइए कि दोनों एक निश्चित तापमान पर उबलने लगे। पानी 100 डिग्री पर नहीं उबले, एक निश्चित तापमान पर उबलने लगे, तो वैसे विलयन को हम लोग बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। अच्छा अब बताओ, जब दोनों को बच्चा एक ही तापमान पर उबलेगा, सुनो ये बढ़िया बात बोल रहे हैं, जब दोनों एक ही तापमान पर उबलेगा, तो अगर हम इसको दोनों को अलग करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, मतलब चाहते पानी को अलग कर ले और H2O3 को अलग कर ले, तो बताओ कैसे अलग किया जाता है? उस विधि को क्या कहते हैं? आसवन विधि। उस विधि को आसवन विधि कहते हैं। जैसे आपको याद है दारू चुलाते हैं घर वालों, क्या चुलाता है? इधर दारू चुलाया, देखे हैं? तो उसमें जो दारू निकलता है वो परभाज आसवन विधि से ही निकलता। ओकरा में क्या होता है, देखते हो ना, एक बर्तन होता है, एक बर्तन होता है, एकरा में क्या क्या डाला जाता है, पहले जानते हो में क्या क्या डाला जाता है? बहुत सारी चीजें, जेकरा से दारू निकलता, दारू के दारू का सूत्र क्या होता है बेटा? C2H5, और ये होता है ग्लूकोज से निकलता है दारू। जब ग्लूकोज का किण्वन होता है ना, तब दारू निकलता है। तो जकरा जकरा में ग्लूकोज है वो पदार्थ जकरा में डालो, सभ्य से दारू निकलेगा। जैसे रावा, मीठा, चीनी, गुड़, महुआ, जितना है सभ्य में ग्लूकोज पाया जाता है, है ना? तो ये जकरा में डाल दीजिए, सबको सड़ा दीजिए, क्योंकि सभ्य में पहले रहता है सुक्रोज, चीनी रहता है सबसे पहले,
सुक्रोज टूटता है, जैसे आप गुड़ ले लो, चीनी ले लो, रावा ले लो, महुआ ले लो, सब में ये पाया जाता है सुक्रोज। जब अगर आप डाल करके पानी वानी डाल करके पंचो दिन सड़ाओगे तो किण्वन होने के कारण वो ये ग्लूकोज में बदलेगा। आप ग्लूकोज के भी थोड़े दिन आओ छोड़ दोगे तो फिर अल्कोहल में बदल जाएगा। तो जितना भी उस मटेरियल में मटेरियल सड़ने के बाद जितना भी था वो सब एक में क्या बन जाएगा बच्चा, C2H5 OH बन जाएगा अंदर में। 10 दिन के बाद सब गल करके इथेनॉल बन जाता है। अब चूंकि वो मान लो 10 किलो का आपने इतना बर्तन बनाया, 5 किलो गुड़ डाल करके और सब डाल करके आपने छोड़ दिया 10 दिनों तक, तो वो सब टूट फूट करके 10 दिन के बाद क्या होता है C2H5। और एक में कुछ अगर जल्दी बनाना हो तो एक में एंजाइम डाला जाता है। अगर मान लो आपको चाहिए कि हम दुए दिन में हमको तारू चाहिए, अल्कोहल चाहिए, तो ऊपर से कुछ मटेरियल डाला जाता है, जरा तुम लोग दवा करते हो यहाँ देहात में तारा डालता है, वो एंजाइम होता है ना, एंजाइम होता है, पाउडर टाइप के होता है। आप एक में डालोगे ना तो किण्वन की अभिक्रिया को तेज कर देता है, तेज कर देता तो ग्लूकोज जल्दी इथेनॉल में बदल जाता। इथेनॉल में जैसे ही बदला एकरा धीरे धीरे गर्म करते हैं, तेरा क्या करते हैं फिर गर्म करके यहाँ पर एक टूटी लगा देते हैं बच्चा, जरा से दारू बाहर निकलता है। तो क्या करते हैं जरा धीरे धीरे गर्म करते, ज्यादा तापमान पर नहीं, ज्यादा तापमान पर करोगे तो शुद्ध दारू नहीं निकलेगा जानते हैं, क्योंकि एकरा में बहुत सारा लिक्विड है, पानी भी है ये भी है। पानी कितना पर बॉइल करता है 100 डिग्री पर, आई दरुआ बॉइल करता है 78 डिग्री पर। तो अगर कहीं ना तूने इसको कस के गर्म कर दिया तो दरुआ के साथ साथ पनियों निकल के बाहर चला है, तो आपको शुद्ध दारू नहीं मिलेगा। तो आपको तापमान इतने देना है, कितना तक 78 से ज्यादा, 80 हो, 85 हो, 86 हो, 90 हो, बस इतना तक। अगर इसीलिए तो कहता जब दारू चुला रहा तो आँच धीरे धीरे देना, ज्यादा कस के देगा तो फिर दारू खराब 100% नहीं मिलते। तो आँच दिया जाता है दारू चुलाने लगी धीरे धीरे, कितना क्यों दिया जाता है क्योंकि हमको तापमान 100 के नीचे रखना है। अगर तापमान ज्यादा हो जाएगा तो गरुआ के साथ, गरुआ तो बाष्प में बदल नहीं करेगा, बाष्प में कब बदलेगा जब बॉइल करेगा, तो बॉइल करेगा इधर बॉइल करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉइल करेगा, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, इथेनॉल का 78 डिग्री, तो 78 डिग्री होता है। तो अगर ज्यादा तापमान दोगे तो गरुआ तो बॉइल करने करेगा साथ साथ पनियों करेगा, तो दोनों का भाप एकरा से आएगा और ऐसा बनी बर्फ लगा देता है कि जैसे यहाँ भाप आए तो ठंडा होकर के भाप को चुनो बदल जाए तरफ में और यहाँ से बूंद बूंद करके फिर तारू में, यहाँ से भाप आता है और यहाँ पर कंडेंसर लगा देते हैं जिससे कि ठंडा करे वाला, कुछ ठंडा करे वाला, तो इधर से भाप आएगा और यहाँ ठंडा होकर के कोची बन जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है कि नहीं। इस विधि को बोलते बचाओ, कम तापमान पर गर्म, कम तापमान दोगे तो कौन पहले निकलेगा इथेनॉल, पानी एकरे में रह जाएगा इथेनॉल बाहर निकल जाएगा, इसी विधि को कहते हैं परभाजी आसवन। लेकिन अगर मान लो ऐसा हम बना दे कि पनिया और इथेनॉल दोनों एक के तापमान पर उबले तो क्या बताओ, तो जब दोनों एक के तापमान पर उबलेगा तो गर्म करोगे तो दोनों में बाहर आ जाएगा, तो क्या इसे सेपरेट अलग कर सकते हो, नहीं। तो वही वाला बात है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा उसे इस विधि से अलग नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई, अरे आई कि नहीं आई। एजियोट्रॉप दो प्रकार के होता है, कई प्रकार के छापो जल्दी से, अब लिखा एजियोट्रॉप टू प्रकार के होता है, दारू मत बनावे लग जाना। मैं इसीलिए उतना ज्यादा डिटेल में नहीं बनाता हूँ कि घर में जाकर शुरुआत तो नहीं कर देता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा बचा के रखता हूँ, जो सब विधि एक प्रोसेस में बता दू। तू जानता था कि हमको कम आँच पर देना है, बकलोल आदमी जानता था कि कम आँच पर ज्यादा देगा तो कुल्ले गड़बड़ सड़बड़ आ जाएगा मिलल मिलल। तापमान आपको कम रखना है।
यही है, लिखावे में समय नहीं लगता, वो समझावे में टाइम लगता है। एक लाइन लिख के लिए समझावे में 10 मिनट लगा। दिक्कत तो यही होता, टाइम इसमें ना चला जाता, समझाने में ना। तो हम लिखे बिना समझाइले खाली लिखाइले चले तो हमारा तो बाहर है, हम तुरंत खत्म कर दें। ये जीव तो अब दो प्रकार के होगा बच्चा। कई प्रकार के? दो प्रकार। लिखते चल साथे साथे वो। एक को बोलते हैं बच्चा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और इसको बोलते हैं बच्चा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, हिंदी लिख लो। मिनिमम बॉइलिंग, हिंदी बड़ी खतरनाक है। निम्न क्वाथी स्थिर क्वाथी, निम्न क्वाथी स्थिर क्वाथी। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का होता उच्च क्वाथी, उच्च क्वाथी स्थिर क्वाथी। उच्च क्वाथी स्थिर क्वाथी, उच्च क्वाथी का मतलब क्या होता है, निम्न क्वाथी का मतलब क्या होता है, सुन ले इधर बच्चा, जल्दी से सुन ले, जल्दी से सुन ले, जल्दी से। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दोनों में समझाता हूं। मान लीजिए कोई दो द्रव है बच्चा, दो द्रव है, एक द्रव का नाम ए है और एक द्रव का नाम बी है। दोनों को मिला दिए, दोनों को मिला दिए, दोनों को क्या कर दिए, मिला दिए। चलो उन्हें दो को द्रव ले लो ए और बी और दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो। दोनों को मिलाते सुनो, अगर मान लीजिए दोनों को मिलाने के बाद अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए ए है और बी है, दोनों मिलेगा तो क्या बन गया बच्चा, ए भी एक बिलियन बन गया। ये प्योर ए लिक्विड ए है, ये कौन सा लिक्विड है, ये द्रव ए है और ये वाला द्रव, सुन रहे हो, अरे बोलो। तो कहता कि यदि ए लिक्विड और बी लिक्विड को मिलाने के बाद ए भी बनता है, और यदि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बी, बॉइलिंग पॉइंट माने क्वथनांक, जितना पर उबलता है उसी को तो बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक। अगर बॉइलिंग पॉइंट ए बी का इन दोनों से कम हो जाए, निम्न, क्या लिख रहा, निम्न, अगर बिलियन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बी लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए और एंड होगा, और नहीं एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, तो ऐसे बिलियन को बोलेंगे बच्चा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग। क्या कहेंगे बच्चा, कि वैसा बिलियन जिसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों शुद्ध द्रव के, बिलियन दोनों शुद्ध द्रव के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा, निम्न क्वाथी। निम्न माने कम, निम्न माने, निम्न माने, निम्न माने। तो अगर आरोप क्वाथी माने होता बॉइलिंग पॉइंट, क्वाथनांक सुने हो ना, बॉइलिंग पॉइंट, तो जो बिलियन बने उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर इन दोनों से कम जाए, दोनों से कम जाए, उसे क्या कहते हैं, मिनिमम बॉइलिंग। और अगर
दोनों का अगर बिलियन दोनों को मिलाने के बाद यही परिभाषा है, परिभाषा लिखे करेगा ना तो यह वाला परिभाषा लिखना, और परिभाषा लिखा नहीं रहे तुम लोग अपने लिखना कि जब का लिखोगे कि जब दो लिक्विड को मिलाने से जो बिलियन बनता है उस बिलियन का अगर क्वथनांक दोनों द्रव के क्वथनांक से कम होता है तो उस बिलियन को हम लोग बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग रेशियो। और अगर दोनों मिलाने के बाद लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाने के बाद जो ए बी बनता है और इस ए बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बी अगर ज्यादा हो जाए कि कैसे इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बी का ज्यादा हो जाए मतलब एक बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए केकरा से, ए से भी यार बी से, तो सर जी एक आपको एग्जांपल देखो ना बढ़िया से कम नहीं होगा कुछ हो। कुछ हो। ये किसके एग्जांपल देखा दिए लो मजेदार देखो एग्जांपल हमारा एग्जांपल भी आ गया है बताइए अरे बताइए ले लो पानी पानी और ले लो यहाँ दारू इथेनॉल क्या ले लो बच्चा इथेनॉल क्या ले लो इथेनॉल क्या ले लो इथेनॉल तो क्या बनेगा बच्चा इथेनॉल सॉल्यूशन बनेगा याद आ रहा है इसको नाम क्या देते हैं हम लोग इथेनॉल सॉल्यूशन। लेकिन याद रखो ये वाला एक निश्चित अनुपात में मिलाना ठीक रहा है पानी और अल्कोहल को एक निश्चित अनुपात में कैसे 4% पानी मिला 96% दारू मिला कितना 4% पानी मिला 96% दारू मिला मतलब अगर 100 ml बिलियन बनाना चाहते हैं तो 96 मिलीलीटर दारू रखो और 4 मिलीलीटर पानी रखो तो ये जो बिलियन बनेगा ये बनेगा एजियोट्रॉप बनेगा और एजियोट्रॉप कैसन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कैसे एकदम सच्चे घटना है तुम पानी के बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 10 डिग्री और एक का बॉइलिंग पॉइंट 78.4 डिग्री कितना 78 डिग्री और जब ये दोनों को मिले हो ना बच्चा देख रहे हो दारू 78 मीन बदली होगा कंडेंसेशन डिस्टिलेशन ये 78 डिग्री पर बॉइल करेगा और पनिया कई डिग्री पर बॉइल करेगा और जब दोनों को मिला दो देना ये वाला 96% ये वाला 4% तो जाना होगी बिलियनवा के बॉइलिंग पॉइंट 76 डिग्री है दोनों से कम जाता है ना मजेदार अरे बोल ले भाई साहब नहीं समझा मिला के देखना धारा में यार हमको क्या करता उबाल के देखना 4% एमएलवा से नाप लेना यार जैसे मान लो कि आपको कितना बनाना है तू कितना बिलियन बनाना पता हम बता देंगे सही है आधा लीटर एक लीटर तो एक लीटर में आपको एक लीटर में 100 मिलीलीटर में 4 मिलीलीटर पानी लेना है 100 मिलीलीटर में 4 मिलीलीटर पानी तो बता तो 1000 में कई मिलीलीटर 40 मिलीलीटर 40 मिलीलीटर पानी ले और बाकी 960 मिलीलीटर दारू ले दोनों को मिला दो हो गए यहाँ आ जाम्पल ले लेंगे पानी ले लो HNO3 ले लो नाइट्रिक एसिड
नाइट्रिक, तो क्या बनेगा बच्चा, सोल्यूशन बनेगा, NaHNO3 सोल्यूशन बनेगा मिला को। और ध्यान रखो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 125 डिग्री। ध्यान रखो ₹44% मिलाओगे तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर। मतलब कहे के 100 ml में 56 ml HNO3 और 44 ml पानी, ये बनाएगा मैक्सिमम बॉइल। ऐसा कर दोगे ना तो दोनों जो 100 डिग्री पर पानी बॉइल कर रहा था ना, वो 127 पर बॉइल करने लग जाएगा। ये मजेदार की है, परसेंटेज इधर उधर हो जाएगा तो नहीं बनेगा एकदम, एक को परसेंटेज में हो जाएगा नहीं बनेगा, एकदम एक्यूरेट चाहिए इसे। तो एक बात आ एकरा में पूछता है दूसरा, अच्छा सुनाओ, पानी और अल्कोहल को मिलाते हैं तो कौन सा डेफिनेशन शो करता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव डेफिनेशन, तो वाना मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप लार्ज पॉजिटिव डेफिनेशन के, लार्ज पॉजिटिव डेफिनेशन शो करता है, लार्ज पॉजिटिव डेफिनेशन शो करता है। अभी दोनों मिलाएंगे तो बच्चा कौन सा डेविएशन शो करता है, निगेटिव डेविएशन, तो लार्ज निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो यहाँ लिख तो नीचे दिख रहा है, जरा हम देखा लाल वाला दिखा, तो एकरा में दूसरा पॉइंट यहाँ लिख दो बच्चा कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन शो करेगा, लार्ज निगेटिव डेविएशन वाला, लार्ज निगेटिव डेविएशन वाला। समझ में आई लोग की नहीं, अरे आवाज की नहीं, पल्ले पड़ा कुछ हवा लगा थोड़ा बहुत नहीं लग लो। अच्छा जल्दी करो, मिटा तो वो जल्दी है, लिखा परिभाषा लिखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, कुछ नहीं एकदम सिंपल सा परिभाषा, 2 नंबर में आता है, 1 साल 2 साल लगा करके हर साल आता है, बोल दियो लिख लो ब्रो अपने से लिखे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी, डायरेक्ट प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ई वाला पतिया ध्यान रखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट और वो भी खाली सॉल्यूट के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, ये तो बड़ा घेर दे बढ़िया से, बड़ा बढ़िया से बड़ा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के घेर दे, नहीं तो नीचे में अंडरलाइन करो और रखो सब 4 कलम से मेन, वो क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव में ये अपना पूछता है ना उपतिया, तो बस आपको याद रखना दैट प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ऑफ Solid is called colligative property, हिंदी लिख लो बच्चा, बंगाली भाषा कैसा वैसा गुण, वैसा गुण जो नहीं आ रहा है भाई, वैसा गुण जो जो केवल, वैसा गुण जो केवल BA के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, जो BA के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, वैसा गुण जो
विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुसंखी गुणधर्म कहते हैं, उसे अनुसंखी गुणधर्म कहते हैं। ये अनुसंखित गुणधर्म चार गुण, कई गुण लिख लो, देयर आर फोर प्रॉपर्टीज, देयर आर फोर प्रॉपर्टीज विच आर कॉलिगेटिव। हिंदी लिख लो, चार गुण है जो अनुसंख्य होते हैं। पहला में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ भपर परोसा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ भपर परोसा, चलिए क्या होगा बच्चा, एलिवेट, दूसरा हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होगा बच्चा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा हो जाएगा बच्चा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। हिंदी वाले लोग हिंदी लिखे, इसको सॉफ्ट में बोलते हैं बच्चा आर एल। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ भपर परोसा, बाष्प ताप का सापेक्षिक अवनमन, बाष्प ताप का सापेक्षिक अवनमन, सापेक्षिक अवनमन। दूसरा के लिख एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी लिख लो, क्वथनांक में उनियन, क्वथनांक में उनियन, इसका हिंदी लिखो बच्चा हिमांक में अवनमन। इतना स्लो है यार, क्वथनांक में उनियन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ये होगा परासरण ताप, परासरण और लगा ले सितारा, ये दोनों है तो कोई ना कोई, ये दोनों में से कोई एगो आएगा, दो नंबर रिवा में नहीं तो तीन नंबर रिवा में, हिमांक में अवनमन, परासरण ताप। पहला पढ़ेंगे बच्चा हेडिंग का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहला हेडिंग का जल्दी से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो कल है पढ़ेंगे। हाँ खाली हेडिंग डाल दे यार, सब वीपी का मतलब वेपर प्रेशर।